देहरादून के चंदर रोड की एमडीडीए कॉलोनी। सुबह सुबह लोगों की जब नींद खुली तो कॉलोनी के पार्क का माजरा देखकर एकदम से दंग रह गए। जी हाँ, कॉलोनी के पार्क के कई हरे भरे पेड़ बिना किसी वजह के काट डाले गए थे। जैसे जैसे सोसाइटी में खबर फैली, लोग एकजुट हो गए। पेड़ों की कटाई को लेकर कॉलोनी के लोग गुस्से में हैं। रात में करीब 3 बजे चोरी छिपे इन पेड़ों को काट दिया गया। सुबह जब लोगों ने कटे हुए पेड़ों को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। लोगों का आरोप है कि इस तरह पहले भी पेड़ काटे जा चुके हैं। तो आज सुबह 3 बजे यहाँ पर ये पेड़ काट दिया गया है और जब हम लोग आए तो उसके बाद वो पेड़ काट के चले गए। हमने लास्ट टाइम भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी और बड़ी मुश्किल से ये रुकवाए गए थे पेड़ काटने का, बट अब की बार वो जबरदस्ती पेड़ काट के चले गए हैं। इसका हम सब लोगों को बहुत दुख है और जितने भी जागरूक लोग हैं हमारी सोसाइटी के, वो बड़े परेशान भी हैं और दहशत में हैं इस बात से। हमने इसकी शिकायत अभी की है, DFO ऑफिस की है, पुलिस थाने में की है और SSP ऑफिस में भेजी है कॉपी उसकी। कॉलोनी में ही रहने वाले जलस भाटिया ने बताया कि जब पेड़ के गिरने की आवाज सुनकर वो बाहर आए तो कुछ बाहरी लोग भागते हुए नजर आए। जिन्होंने पेड़ काटे वो इस सोसाइटी के नहीं हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पेड़ काटने वाले लोगों की संख्या करीब 20 थी। मुझे रात को पेड़ गिरने की आवाज आई तो जैसे सोसाइटी के लोग इकट्ठे होने लगे तो मैं भी आया, तो हमने देखा कि वो लोग भागते हुए इनके सामने घर पे घुसे। जिस घर में घुसे तो 10 से 12 लोगों को जाते हुए हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी, उसके बाद हमने जो है SSP ऑफिस में कंप्लेन करी। स्थिति को भांपते हुए कॉलोनी के लोगों ने पुलिस को फौरन सूचित किया। लोगों ने बताया कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पेड़ काटे जाने के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस के आने के पहले ही वो लोग भाग गए, जिसपे हम लोगों ने गाड़ी की वीडियो, गाड़ी के नंबर्स हम लोगों ने लिख लिए थे और उसकी वजह से वो लोग पकड़े गए हरा वाला टोल चौकी पे, जो पुलिस ने हमें बताया। तो पुलिस ने हमें बताया कि ये गाड़ी जो है हमने हरा वाला टोल नाके से पकड़ी है, अभी वो पांचों के पांचों लोग हिरासत में हैं और 4 से 5 लोग और भी हैं। इसके अलावा जो है कई लोग, हमें जो सूचना मिली है कि आसपास के लोग के अलावा इनके जो बेटे हैं जो XCN हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जो जानकारी के मुताबिक पेड़ को काटने वाले लोग हरियाणा नंबर की गाड़ी से आए थे। लोगों ने गाड़ी की नंबर प्लेट की तस्वीरें भी ली हैं। आधी रात में गुपचुप तरीके से हुई पेड़ों की कटाई को लेकर कॉलोनी के लोग अब अलर्ट हो गए हैं। अब लोग सोसाइटी की सुरक्षा को और मजबूत करने की बात कह रहे हैं। सोसाइटी में भारी लोगों की घुसपैठ से लोग खौफ में हैं। पेड़ काटने वाले लोग कौन थे, कहां से आए थे और आधी रात को कैसे बेखौफ होकर पेड़ काटते रहे, इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस की जांच के बाद ही मिल पाएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।